YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, एक अपडेट आपके लिए हम लेके आए हैं। जो भी स्टूडेंट अभी 24 सेशन के बीएड कर रहे हैं, जिनका थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप हो चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे, सर बताइए कि थर्ड सेमेस्टर का हमारा एग्ज़ाम जो है कब होगा, क्या इलेक्शन के पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा। तो इसी रिलेटेड अभी हम आपका जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या अपडेट अभी निकल के आ रहा है, आपका एग्ज़ाम कब तक होने का चांस है, और क्या कोई नोटिस पब्लिश हुआ है एमसीटी की तरफ से या फिर अभी कोई नोटिस नहीं आया है, कब तक आने का चांस है। तो देखिए, अभी इलेक्शन होने वाला, अभी अप्रैल में 19 तारीख से इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन के पहले आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या इलेक्शन के बाद होगा, तो ये डिटेल अभी आपको जो हमको बता आपको जो हम बता रहे हैं, ये हमको पता चला है कॉलेज से, दो चार कॉलेज से कॉन्टेक्ट करके हम ये आपका जानकारी इकट्ठा किए हैं और आपको वही जानकारी हम देने वाले हैं। इसमें देखिए थोड़ा चेंजेस हो सकता है आगे पीछे डेट, क्योंकि एग्जैक्टली डेट यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो आइए सबसे पहले अभी हम आपको दिखाते हैं क्या बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, इनका एमसीटी में कोई ऑफिशियल नोटिस दिया है इस बारे में कि नहीं दिया है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, इस ऑफिशियल साइट पर आप आइएगा, आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आइएगा, आने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए आइएगा और यहाँ पर एक आपको करेंट नोटिस सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस करेंट नोटिस सेक्शन में ही आपको सारा अपडेट दिख जाता है, जो भी नोटिस पब्लिश होता है एमसीटी की तरफ से। तो ये आप अपडेट रहिएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत होता, अगर आप अपडेट नहीं रह पाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है कॉलेज के द्वारा, एमसीटी के द्वारा, सब कुछ हम आपको यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल का जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी अपडेट मिलते रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। तो देखिए, यहाँ पे करेंट नोटिस सेक्शन में अभी आए हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कोई नोटिस है। तो देखिए, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम को लेके कोई नोटिस नहीं है अभी, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम को लेकर। यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम, आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ था, वो नोटिस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका थर्ड सेमेस्टर को लेकर एक ही नोटिस यहाँ पर आपको दिख रहा, ये नोटिस जो है यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर आपका एग्जामिनेशन, तो थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप हुआ था, वो आपको यहाँ पर नोटिस दिख जाएगा। तो आपको पता होगा आप लोग फॉर्म फिलअप कब किए हैं, तो फॉर्म फिलअप आपका 5 तारीख 6 तारीख तक हुआ था, मार्च का 5-6 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया था। तो 5-6 तारीख तक आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद अभी देखिए अभी हो गया आपका 25 तारीख, यानी कि 25 मार्च हो गया। तो 25 मार्च तक कोई अपडेट नहीं है और कोई एमसीटी इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस भी जारी नहीं किया है, 25 तारीख आज हो गया। तो क्या अभी जो 31 तारीख तक, इस मंथ का 31 तारीख तक टाइम है, तो इस जो आपका 5-6 दिन के अंदर क्या कोई नोटिस पब्लिश होने वाला है? तो जी हाँ, आप जान लीजिए कि इसी दरमियान आपका एक नोटिस पब्लिश होगा, जिसमें आपका शेड्यूल रहेगा एग्जामिनेशन का, कि कब आपका एग्ज़ाम होगा और किस किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसी मंथ आपका जो रिजल्ट का नोटिस है, यानी कि रिजल्ट का शेड्यूल है, आप जिसको कह सकते हैं आपका एग्जामिनेशन डेट, वो आपका पब्लिश हो जाएगा इसी मंथ। और ये डेट आपको पब्लिश होगा इसी एमसीटी के साइट में, जिसको आप देख सकते हैं। तो अगर आप नहीं देख पाते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो अपडेट आपको मिल जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो अभी जो पता चला है, लेटेस्ट अपडेट है ये कि आपका एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है, शेड्यूल है, तो रूटिंग है, वो पब्लिश हो जाएगा आपका इसी मंथ में, 1-2 दिन के अंदर, यानी कि 31 तारीख तक। और उसका एग्ज़ाम जो है आपका इलेक्शन के पहले, यानी कि 19 तारीख से इलेक्शन शुरू हो रहा, उसके पहले आपका इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्शन के पहले एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, तो जून तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जून तक अगर आपका थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपका फिर इस साल कैसे कंप्लीट होगा 2024 में बीएड? तो इसीलिए आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो जून तक नहीं जाएगा आपका ये एग्ज़ाम। अभी आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा अगले मंथ ही, और आपका जो है जून जुलाई तक आपका फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन था हमको कॉलेज से मिला है, इसलिए हम आप लोग को बताएं। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जो सारे व्यूअर्स हैं, जो कमेंट करते हैं बाद में कि फेक आप न्यूज़ बताते हैं, आप खाली व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं, वैसा कोई बात नहीं। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम आप लोग के लिए इकट्ठा करते हैं और आप लोग को देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मिला हमको जानकारी, वो आपको हम बता दिए। आप देखिए, बात आता कि थर्ड सेमेस्टर जिनका भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, और जिनका देखिए प्रैक्टिकम असाइनमेंट बाकी है, जो जमा नहीं किए अभी तक कॉलेज में, तो आप लोग जल्दी से प्रैक्टिकम असाइनमेंट कंप्लीट करके जमा कीजिए। तो प्रैक्टिकम असाइनमेंट और लेसन प्लान वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको बता दें। तो देखिए, हमारे चैनल पे आइएगा आप,
देखिए इस तरह हमारे चैनल पे आप विजिट कीजिएगा। चैनल पे विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट पे आपको यहाँ पे बहुत सारा प्लेलिस्ट मिलेगा। देखिए जैसे बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सॉल्व प्रैक्टिकम यहाँ पे दिख रहा है, उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा बीएड सॉल्व लेसन प्लान। तो लेसन प्लान आपका चाहिए तो यहाँ से आपको लेसन प्लान मिल जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर का सॉल्व असाइनमेंट प्रैक्टिकम चाहिए तो उसका भी यहाँ पे देखिए 61 वीडियो सेमेस्टर 3 का लेसन प्लान और प्रैक्टिकम और आपका असाइनमेंट को लेके है। और लेसन प्लान का सिर्फ देखिए 45 वीडियो है और 61 वीडियो आपका प्रैक्टिकम असाइनमेंट का। तो हमें लगता है यहाँ से आपका सारा टॉपिक का लेसन प्लान और आपका असाइनमेंट प्रैक्टिकम आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख के और देखने के बाद आप घर बैठे इसको लिख कर अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आई होप कि जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको हम दे सकें और आप उस अपडेट को पा सकें। तो चलिए फ्रेंड, आज का इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।